नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। CISF ASI स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। जी हाँ, पेमेंट की बहुत समस्या आ रही है, कमेंट आ रही है कि सर पेमेंट फंस गई है, अपडेट कैसे करें। तो एक बड़ी अपडेट, नया अपडेट आया है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में और बताएंगे कि पेमेंट जिनकी कट गई है और सक्सेस हुई है बट प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो कैसे सक्सेस होगी, कैसे प्रिंट निकलेगा, और जिनकी फेलर है तो वो दोबारा कर सकते हैं यदि पेमेंट नहीं कटा है। पेमेंट अगर कट गया है तो उसके लिए वेट करना होता है। तो आइए जानते हैं प्रोसेस के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि देखिए, यहाँ जब फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे हमने पे टू फेस किया, वो पेमेंट वहाँ आपका फेलर हो गया, ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया। देखिए यहाँ एक कंडीशन ये है, फीस यदि आपकी कट गई है तो दोबारा पे नहीं हो रही है, ऑलरेडी लिख कर आ रहा। तो यहाँ एक जो नई अपडेट है वो यहाँ देख सकते हैं आप, चेक पेमेंट स्टेटस इफ ऑलरेडी पेड। जिनकी फीस कट चुकी है, प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है लॉगिन करने के बाद, तो उस समस्या के समाधान के लिए पोर्टल के अंदर जो एक नई अपडेट आई है वो यहाँ देख सकते हैं, चेक पेमेंट स्टेटस इफ ऑलरेडी पेड। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है जिनकी फीस कट गई है, बैलेंस कट गया है, उसके बाद जो है ये जो आप देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ चेक पेमेंट स्टेटस इफ ऑलरेडी पर क्लिक किया तो यहाँ फेलर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन आपका सही से नहीं हुआ, इसलिए फेलर आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत से लोगों की कैंडिडेट की फीस कट जाती है, अब फीस तो कट गई, सक्सेस भी हो गई, बट होता क्या है कि गेटवे में अपडेट नहीं हो पाती सही से, इसलिए जो प्रिंट का ऑप्शन जो है निकल नहीं पाता है। तो उसके लिए हम अब चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से सक्सेसफुल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है क्लोज करेंगे, इस प्रकार से सक्सेस होके आ जाता है। क्लोज करने के बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे और अपना प्रिंट आसानी से निकाल सकते हैं यदि आप यहां तक पहुंच जाते हैं सक्सेस तक। पेमेंट कट गया है बट आप जब ने चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक किया तो वहां फेलर आ रहा है, इसका मतलब ये पेमेंट कट गया है और ट्रांजेक्शन फेलर आ रहा है, यानी कि वहां गेटवे में फीस सही से नहीं पहुंची बट फीस कट गई है। तो इसके लिए जो यहाँ आप देख सकते हैं, इफ़ फी अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड स्टेटस ऑफ पेमेंट इज अदर देन सक्सेस, देन प्लीज़ वेट फॉर एट लीस्ट 2 डेज टू सेटलमेंट द ट्रांजेक्शन। अब जिनका फेलर है, फीस कट गई है, तो वेट तो नहीं भी करना पड़ेगा 2-3 दिन, और यहाँ चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके भी चेक करना पड़ेगा आपको। यदि 2-3 दिन में भी फेलर ही आ रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप कैरियर से बात कर सकते हैं या फिर अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कहीं रिफंड तो वापस नहीं आ गया है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और जिनका यहाँ देख सकते हैं आप, जो सक्सेस अगर पेमेंट हुआ है, जैसे आपने चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक किया, पेमेंट कट गया, मैसेज आ गया और आपने क्लिक किया तो वहाँ सक्सेस यहाँ दिखा रहा है फेलर की बजाय। यहाँ आप देख सकते हैं माउस के बटन से, यहाँ फेलर की जगह सक्सेस दिखा रहा है। उसके बाद भी रसीद जनरेट नहीं हो रही है और जो है दोबारा लॉग इन करने के बाद प्रिंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट है उसमें थोड़ा 2 दिन का समय लग जाता है, उसके बाद ये चीज़ जो है अपडेट हो जाती है। बट आप जब लॉग इन करेंगे और चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है, सक्सेस आता है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। यहाँ एक ऑप्शन भी दिया गया है रीलोड का, तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर चेक कर सकते हैं, बट पहले यहाँ क्लिक करना है आपको, उसके बाद देखना है सक्सेस आ रहा है या फेलर आ रहा है। ये सक्सेस आ रहा है फिर भी प्रिंट नहीं निकला, फिर तो आप तब भी 2 दिन का वेट करें, और फेलर आ रहा है फीस कट गई है तब भी आपको 2-3 दिन का वेट करना होता है। और चेक पेमेंट स्टेटस पर जरूर क्लिक करते रहें और चेक करते रहें पेमेंट सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार यहाँ अगर पेमेंट स्टेटस पर आपने क्लिक किया और चेक किया सक्सेस आ रहा है तो आपका प्रिंट निकलेगा ही निकलेगा, एक आध दिन में जो है ज़रूर निकलेगा। इस प्रकार जो है रसीद जो है पेमेंट सक्सेस की जनरेट होती है, जो फॉर्म जो सही से ऑनलाइन जब करते हैं, फीस कोई भी फंसती नहीं, तो डायरेक्ट जब फीस कटती है तो इस प्रकार से रसीद जनरेट होती है। तो ये एक नई बड़ी अपडेट है कि चेक पेमेंट स्टेटस का ये जो लिंक है वो अभी तक नहीं था, इस बार आ चुका है, और जिनका पेमेंट कट गया है और उन्हें अपडेट कैसे करना है वो यहाँ क्लिक करेंगे और अपना स्टेटस पेमेंट का चेक करेंगे। एक बड़ी समस्या थी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं, स्क्रीन में देख सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिए हुए हैं और आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये अपडेट आपको यदि पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।